तो हेलो बडीज, मेरा इस नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं आलाप, आपका टेक्निकल फ्रेंड। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि आप ऑलरेडी रैपिडो कैप्टन ज्वाइन कर चुके हैं, 3-4 महीने भी हो चुके हैं, फील्ड में आप काम कर रहे हैं, तो इस दरमियान आपको क्या होता है कि आपका बाइक खराब हो गया और आपने दूसरा बाइक ले लिया। जी हाँ दोस्तों, या तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने नया बाइक खरीद लिया, तो वो अब पुराना बाइक हटा के हमको नया बाइक ऐड करना है रैपिडो कैप्टन ऐप में, तो वो कैसे करेंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप अपना पुराना बाइक हटा के नया वाला बाइक कैसे ऐड करेंगे रैपिडो कैप्टन ऐप में। साथ ही साथ दोस्तों मैं अपना एक मोबाइल डेमो भी आपको दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों अगर आप एज अ रैपिडो कैप्टन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, मैंने एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, तो वहाँ पे जाके आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का नाम है रैपिडो कैप्टन ऐप, तो यहाँ से आप रजिस्टर करवा के अपनी बाइक ऐड करवा सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ कुल प्रोडक्ट्स का लिस्ट दे के रखा है जो आपको डेली यूज़ में आ सकता है। तो ये प्रोडक्ट्स बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, ज़्यादा इसकी प्राइसिंग नहीं है, तो आपको डेली यूज़ में आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं अपना मोबाइल का ऑन स्क्रीन कैमरा ऑफ करता हूँ और चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम आ चुके हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पे, आपको दिख रहा है रैपिडो कैप्टन एप्लीकेशन। सिंपली हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा दोस्तों। तो ये एप्लीकेशन लोड हो रही है, लोड हो जाने के बाद आपको कुछ ऐसा होम पेज का इंटरफेस दिखेगा। तो ये कुछ नया अपडेट आया है कैप्टन के लिए, तो इसको फ़िलहाल हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो अब हमको बाइक चेंज करना है, तो क्या करना है, हम रैपिडो के सेटिंग में जाएंगे। आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे जो 3 बार वाला बटन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे छठा ऑप्शन दोस्तों, 6th ऑप्शन हेल्प एंड सपोर्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे जनरल टॉपिक्स का लिस्ट दिया हुआ है दोस्तों। तो अब हमें बाइक चेंज करना है, तो कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे 4th ऑप्शन में, 4th ऑप्शन ऐप इश्यूज। चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन दोस्तों, 3rd ऑप्शन यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा आई हैव एन इश्यू विथ अ ऐप, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आपको 3rd ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, सिंपली उसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, बाइक चेंज करने के लिए आपको रैपिडो कॉल सपोर्ट टीम से बात करनी होगी, तो उससे बात करके ही आप चेंज करवा सकते हैं अपना बाइक। तो कस्टमर केयर में बात करने के लिए आपको ये येलो कलर का बटन दिख रहा है, सिंपली हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही दोस्तों डायरेक्टली कॉल चला जाएगा कस्टमर केयर में। तो आपको क्या करना है, अभी आपको जब कॉल करते हो तब अपनी भाषा चुननी है, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल है उसी भाषा में आप बात कर सकते हैं कस्टमर केयर से, और वहाँ से ही आप बाइक चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली मैं डेमो दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्टली कॉल लग जाएगा अगर मैं यहाँ पे गेट हेल्प पे क्लिक करता हूँ। तो चलिए क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैंने गेट हेल्प पे क्लिक किया तो डायरेक्टली कॉल लग चुका था, तो मैंने अभी ये फ़िलहाल कैंसिल कर दिया है कॉल, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल कोई कस्टमर सपोर्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको बाइक चेंज करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं कस्टमर केयर में बात करके। तो मिलते हैं अगले नॉलेजफुल वाले वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो शेयर करते रहना है सभी कैप्टन भाइयों को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, धन्यवाद।